जिंदाबाद। अब की बार अंतिम बार, 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 अब की बार। देखिए आप लोग हड़ताल पर जा चुके हैं। हाँ जी। क्या कुछ कारण है हड़ताल पर जाने के? और पक्के ना हुई है, वो क्या कारण है? हम बूढ़े हो गए, पक्के आज तक ना करें। हमारी उम्र देखो 21 साल, हमें लोगों को होलेरी बोलो, हमें 8-7 हजार सैलरी मिला तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे बताओ? क्या खाएंगे हमारे गरीब आदमी? हम कितने गरीब है, क्या लिखेंगे? हमारी उम्र देखो, कब हम पक्के होंगे, कब हम लटेर होंगे, हम धरती पे जाके लटेर होंगे? क्या हमारे बच्चे खा ला, क्या हमको मार ला, क्या हम पैर ला, क्या हम ओढ़ ला, क्या बच्चों की फीस भर ला, क्या कर सके? मोदी सरकार जी ने अभी स्वच्छता भारत अभियान का मिशन जो है वो लॉन्च कराया है और लोगों से बात करी है। जब आप लोग काम ही नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा और सफाई कौन करेगा? काम हम करेंगे जी, हमारे तनखा काट कर देगा, काम कैसे करेंगे हम? ना करें ना, ना करें, डिमांड है हमारी पूरी करनी चाहिए। काम हम करते क्यों नहीं? काम हमारी तनखा पूरी भेजो, तनखा भेजो, हमारा आरियल बोनस सब भेजो, हम काम करें। लेकिन क्या मानते हैं स्वच्छता ही सेवा का जो प्रोग्राम या जिस आंदोलन को लेकर मोदी जी चल रहे हैं वो आप लोगों के बिना यानी कि कर्मचारियों के बिना सफल हो सकता? सफाई कर्मचारी के बगैर स्वच्छता जो अभियान है बिल्कुल नहीं होगा। और उससे पहले हमने स्वच्छता अभियान में भरपूर हिस्सा लिया है, अपने तन मन धन से हमने कार्य किया है, क्योंकि हमें तो पूरे हथियार भी नहीं मिलते हैं, तो जो हमारी सैलरी होती है उसी से हम अपने हथियार बनाते हैं, फावड़े बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा तन मन धन से काम किया, हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। लेकिन सरकार उसका उलट हमें और अच्छा करने के, हमारे लिए अच्छा करने के बजाय हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। हमारे एरियर नहीं है, डीए नहीं है, वर्दी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब तो हद हो गई कि हमारी सैलरी भी कटने लगी। 18-20 साल से हम लोग पक्के नहीं हुए, जो कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं किए जा रहे हैं, और जो पक्के हो उनको एरियर नहीं मिल रहा है, और जो पेंशन, जो जिनको पेंशन मिली जाए, रिटायर हो जाते हैं, जिसकी सैलरी कट जाती है उसे पेंशन नहीं जा रही, ऐसी बहुत सारी डिमांड है हमारी। तो इस बार जो हम हड़ताल लेकर उतरे हैं तो हम जो है अब की बार अंतिम बार, यही नारा हमारा, संजय गहलोत जी ने नारा दिया है, अब की बार अंतिम बार, इस बार पीछे हटने वाले नहीं है, अपने अधिकार पूरे लेकर रहेंगे तभी हड़ताल समाप्त होगी। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, बाइक रैली कर रहे हैं, कुछ हल निकलने वाला है इस सब चीज़ों से? देखिए मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, अगर हमारे पास में हमारे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए पैसा होता, या हमारे बच्चे जो हॉस्पिटल में चले जाए उनके लिए पैसा होता, तो शायद हम हड़ताल ना करते। तो हम तो एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर जब तक हमारे कर्मचारियों के लिए जो उनके पैसा है, जो उनकी मांग डिमांड है, अगर वो पूरी नहीं होगी तो ऐसे ही हम हड़ताल पर रहेंगे। और ये दिल्ली सरकार की राजनीति है, ये बीजेपी की राजनीति है, इन राजनीतियों के चलते चलते हमारे कर्मचारियों को पीसा जा रहा है। इनकी राजनीति है, राजनीति कहीं और दिखाए, किसी और जो जनता है उनके ऊपर दिखाए, हमारा जो मजदूर भाई है, जो कर्मचारी है, जो सारी दिल्ली को स्वस्थ बनाता है, जो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले दिल्ली को सजा संवारता है, सजाता है, उसके लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा। और उसके लिए खास तौर से और उसका शोषण करा जा रहा, उसकी कच्चे कर्मचारी की सैलरी काट ली गई। और बाइक निकाल, जो बाइक रैली हमने आज निकाली है वार्ड नंबर 234 से लेकर, हमने हर वार्ड में जाकर ये इंस्पेक्टर दरोगा जो हमारे काउंसलर है, हमने उन्हें बताया है कि आप हमारे मजदूरों का साथ दो, हमारा साथ दो, क्योंकि हमारे बच्चों के पेट की लड़ाई है। उन लोगों ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। कमिश्नर साहब और मेयर साहब ने कहा है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, केंद्र से भी पैसे की मांग कर रहे हैं और दिल्ली सरकार से भी मांग कर रहे हैं। अभी शायद मीटिंग भी बुलाई जाएगी, संजय गहलोत जी यहाँ पर आएंगे 3 बजे के करीब, मेयर साहब से मीटिंग है, क्या लगता है कुछ? और उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर आप सफाई कर्मी जो हैं वो काम पर आ जाएं, तभी ये मिशन जो है वो कामयाब हो पाएगा। तो क्या लगता है ऐसे ऐसे जिस तरह से मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने माना है, तो लगता है आप वापिस आएंगे? देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारे 2017 के जो लोग हैं पक्के होने हैं, वो हमें 25 आदमी परमानेंट करके दिखा दे तो हम बिल्कुल उनकी बात मान लेंगे। हमारे कर्मचारी की सैलरी जो हाई कोर्ट ने पास करी है 7 तारीख की, वो हमें टाइम पे दे के दिला दे तो हम उनकी बात आगे सोचेंगे। आश्वासन हमें नहीं चाहिए, अब के बार अंतिम बार हमारी लड़ाई रहेगी, जब तक हमारे लिए कुछ काम करके नहीं दिखाएंगे लोग, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हाय हाय, कम से मर गया, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय।